हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ट्राइफल। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेड का स्लाइसेस ले लिया है, जिसका एजेस काट के मैंने रखा है। जरूरत के अनुसार हम ले लेंगे। और चाहिए हमें यहाँ पे कस्टर्ड बनाने के लिए मिल्क। तो मैंने यहाँ पे दूध जो है 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध ले लिया है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है जो 6 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है 1 कटोरी। और हमें चाहिए कुछ फ्रूट्स, तो इसमें मैं सिर्फ ओनली जो ये पाइनएप्पल का स्लाइस है, ये जो कैन वाले, तो इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है जो पिस्ता का, थोड़ा सा स्लाइसेस ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बादाम का स्लाइसेस ले लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किशमिश रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखे है जो ब्लेंड करके रखा हुआ है। और ये जो है मैंने एक वेजिटेबल जेली का एक पैकेट ले लिया है, जो इस जेली को हम बना के सेट करेंगे। गैस ऑन करके मैंने इसमें 2 कप पानी भर के मैंने डाला है इसमें। और इसमें जैसे ही उबाल आ जा रहे हैं, तो ये जो जेली जो है, इस जेली पाउडर को इस उबालते हुए पानी में ऐसे ही डाल के और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, और फिर गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए रख देंगे करीबन 1 घंटा। देखिए मैंने गैस ऑन करके और मैंने दूध ये उबालने के लिए रख दिया है। अब दूध में देखिए उबाल आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी में ये कस्टर्ड पाउडर, जो वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है, और मैं यहाँ पे ये जो उबालते हुए दूध में इसको ऐसे मिलाती जाऊँगी। पहले इसको मैंने ठंडा पानी में घोल लिया था। अब देखिए एकदम से गाढ़ा होने लग गए हैं, तो इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी। और हमें थोड़ा सा इसके लिए नॉर्मल कस्टर्ड से थोड़ा ज़्यादा थिक वाले कस्टर्ड चाहिए ट्राइफल के लिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डाली है, जो 6 टेबल स्पून डाली है। बस जैसे ये चीनी मिल जाएगा तो हम गैस ऑफ कर देंगे, और इसको भी ठंडा करने के लिए 1 घंटा बाहर में हम छोड़ देंगे। अब देखिए ट्राइफल के लिए ये जो मैंने कस्टर्ड बनाई थी, ये भी बहुत अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, तो ये बढ़िया सा ठंडा हो गया है। और ये जो है 1 घंटा मैंने ये जेली को जो छोड़ दिया था, तो ये ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, पर मुझे ज़्यादा अच्छा सेट वाला नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा हल्का ये लिक्विड फॉर्म में है अभी भी, तो इसको हम ऐसे क्रिस्टलाइज कर लेंगे। दोनों के दोनों अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल का जो मैंने कैन वाला पाइनएप्पल लिया था, उसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में यहाँ पे कुछ काट लिया है, और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा बड़ा पीसेस में भी कुछ काट रखे हैं। देखिए पहले थोड़ा सा ऐसे कस्टर्ड लेंगे, और ये जो ट्रे पे पहले थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगा देंगे, और फिर एक एक ब्रेड के स्लाइस ऐसे लेके कस्टर्ड में डुबो डुबो के और इसमें सेट करते जाएंगे। जो ये पिस्ता और बादाम जो मैंने काट के रखा था, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर मैंने फास्ट लेयर जैसे लगा लिया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स हम दे देंगे ऊपर में, और थोड़ा सा किशमिश भी दे देंगे। और ये जो पाइनएप्पल, जो छोटे छोटे चॉप किया हुआ पाइनएप्पल है, इसको भी रख देंगे। ऐसे जैसे हो जाए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा ये जो जेली है, ये जेली को हम इसके ऊपर से पोर कर देंगे। बस इसके बाद फिर दोबारा सेम प्रोसेस से ऐसे ब्रेड को फिर इसमें अच्छे से डुबो डुबो के कस्टर्ड में, और फिर सेट करते जाएंगे। देखिए मैंने सेकेंड लेयर में भी अच्छे से सेकेंड लेयर लगा दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से मैंने जो कस्टर्ड को ऊपर से थोड़ा सा इसमें पोर कर दिया है, तो ये अच्छे से जैसे पूरा सेट हो जाएगा बाद में। और अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी, तो
तो पहले हम ऐसे पाइनएप्पल को लेके और ऐसे ऐसे फ्लावर जैसे बना लेंगे। पाइनएप्पल मैंने सेट कर दिया थोड़ा फ्लावर के शेप में। अब मैं इसके बीज में जो ये जेली इसको डाल दूंगी। और आराम आराम से इसको अच्छे से इसके शेप के साथ आने देंगे। इसके बीज में एक और एक बड़ा सा पाइनएप्पल का ये स्लाइस रख दिया है। ये जो खाली पोर्शन है इसमें भी हल्का हल्का सा ऐसे ही डाल दूंगी जेली। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है जो वो जेली था। और अब इसके बीज में सेंटर में थोड़ा सा ऐसे व्हिप्ड क्रीम ऐसे डाल देंगे। और फिर हर एक कोने में मैंने ऐसे ही एक एक क्रीम का फ्लावर बना दिया है। अब जो सेंटर में थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। मैंने क्रीम से थोड़ा चारों तरफ से डिजाइन कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट्स ऐसे ऐसे बीज में डाल डाल के डिजाइन बना देंगे। और ये जब सेट हो जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ये इसको सेट करने के लिए मिनिमम 8 घंटा से भी ज़्यादा हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा बादाम सब डाल के हल्का सा इसको गार्निश करेंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। देखिए मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है गार्निशिंग। और ये जो ब्रेड ट्राइफल है ये ज़रूर से बनाइए घर में। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ये बनाइए और इसको मिनिमम 8 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखिए और फिर सर्व कीजिए। मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।